सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचे व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाज एमआयएमचे नेते औसुद्दीन ओवैसी यांच्या बंगल्यावर दगडफेक एमआयएम कडून घटनेचा निषेध जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर केली निदर्शने आज बुलडाणा जिला एमआईएम ने जो ये निषेध प्रदर्शन रखा है ये असद साहब के सम्मान में रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 19 तारीख को जब अपने बंगले में पहुंचते हैं दिल्ली में तो कुछ बंदर मीडिया द्वारा जो बंदर बताया गया है वो बंदरों ने असद साहब के हमले बंगले पे हमला किया है जिससे पथराव पड़ा है और ये हमले की हम यहाँ निंदा करते हैं। ऐसे हमलावरों को दिल्ली पुलिस आज तक पकड़ने में नाकाम रही है जिससे पूरे इंडिया का माहौल खराब हो रहा है। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस और भारत की सरकार से जो चूड़े पहन के बैठी हुई है ये सरकार से हम मांग रखते हैं ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए, इनके साथ न्याय का सलूक ना किया जाए, इनको जेल में डाला जाए, हम ये मांग रखते हैं और निषेध करते हैं। एमआयएमचे नेते औसुद्दीन ओवैसी यांच्या दिल्ली येथील सरकारी बंगल्यावर 19 फेब्रुवारी रोजी अज्ञात इसमांनी दगडफेक केल्याची घटना घडली होती। या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे, मात्र अद्यापपर्यंत आरोपींना अटक केलेली नाही, त्यामुळे त्या आरोपींना अटक करावी या मागणीसाठी आज बुलडाणा जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर एमआयएम कडून निदर्शने करत निषेध आंदोलन करण्यात आले। यावेळी एमआयएमचे जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर मोबिन खान यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते। प्रतिनिधी इरफान सय्यद, महाराष्ट्र 24 न्यूज, बुलढाणा।